भारतीय जनता पार्टी से दो बार सांसद रही कमला पाटले की बेटी चांदनी भारद्वाज इस बार मस्तूरी विधानसभा सीट से जनता कांग्रेस जोगी की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। चुनाव प्रचार अभियान के दौरान हमारे संवाददाता संतनु कुरे ने उनसे कुछ खास बातचीत किया, जहां उन्होंने बताया छत्तीसगढ़ में जोगी कांग्रेस की सरकार आने पर किसानों के हित के लिए सभी कार्य किए जाएंगे। एक क्विंटल धान की कीमत 4,000 रुपए होगी। किसानों को कृषि करने के लिए 10,000 रुपए सालाना राशि दी जाएगी। बेरोजगार युवक युवतियों को 3,000 रुपए प्रति माह सहायता दी जाएगी और भूमिहीन को सालाना 10,000 देने का वादा किया। ग्राम गोड़ाडी में चांदनी भारद्वाज चुनाव प्रचार करने पहुंची थी, जहां बड़ी संख्या में महिला पुरुष ने चांदनी भारद्वाज के लिए नारे भी लगाए। वहीं हमारे संवाददाता ने कुछ सवाल भी किया, जिनके जवाब में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जनता कांग्रेस जोगी की सरकार बनेगी तो सबका हित होगा। 1,000 रुपए क्विंटल में खरीदा जाएगा, उनके लिए हर एकड़ में प्रति एकड़ 10,000 रुपया खेती किसानी करने के लिए दिया जाएगा और सभी के लिए है अपने जो शपथ पत्र लिख के दिए हैं जोगी जी का 10 कदम गरीबी खत्म। और अभी मस्तूरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्लान करें, उसके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? मस्तूरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा, मैं तो शुरू से ही बोल रही हूँ कि मस्तूरी विधानसभा का इसको दुर्भाग्य बोलिए या कमी बोलिए, यहाँ मस्तूरी विधानसभा से विधायक बनाकर भेजते हैं, यहाँ से मंत्री बन के भी आते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ उनके भाषणों में विकास रहता है, ना कि क्षेत्र पे, ना कि जमीनी स्तर पे कोई विकास नाम का चीज नहीं होता है, ना क्षेत्र की जनताओं को रोजगार के लिए, किसी के रोजगार के लिए कुछ किया जाता है, ना यहाँ का सड़क नाली बिजली किसी भी प्रकार का काम नहीं किया जाता है। और रोजगार की कमी की वजह से ही यहाँ के लोग बहुत अधिक मात्रा में पलायन करते हैं। इसका सीधा असर जो है चुनाव में देखने को मिल रहा है बहुत ज्यादा। हाँ, चुनाव में देखने को मिलता है, हर साल का यही हाल रहता है, पलायन बहुत ज्यादा होता है मस्तूरी विधानसभा से। हमारी सरकार आते ही हम लोग सबसे पहले अपने विधानसभा से पलायन रोकने का हर प्रकार से प्रयास करेंगे। बेरोजगारों को रोजगार के लिए 5,00,000 रुपए दिया जाएगा और पंजीकृत बेरोजगार भाई हैं उनको 3,000 रुपए प्रतिमा दिया जाएगा। और हमारे शपथ पत्र में तो साफ लिखा गया है, जो जितने भी कंपनियां हैं, शासकीय हो चाहे अर्धशासकीय हो, प्राइवेट हो, उसमें सभी हमारी क्षेत्र मूल निवासियों को, यहाँ छत्तीसगढ़ वासियों को पहली प्राथमिकता दिया जाएगा, इससे उन लोगों को रोजगार मिलेगा।